Hello everyone. Today we both are going to talk about how to foam roll, and we're going to tell you in detail how to foam roll each and every bowling related muscle. And foam rolling ke best benefits ke liye important hai ki aap thoda sa apna heart rate increase kar lein by way of running, aur aap make it a point ki aap post practice post game zarur foam roll kare, kyunki bowling ke time hamari muscles pump ho jati hain, to unko release karna bahut important hai taki agle din jab aapka session ho to usme aapko kaafi help mile. To ab hum calf ko roll karna bata rahe hain. काफ दो फेजेस में रोल होती है, तो फर्स्ट फेज में यहाँ तक रोलर आएगा और आप नीचे जाते वक्त आप थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा मसल का फाइबर चेंज हो जाता है. और दूसरे फेज़ में आप यहाँ से ऊपर से लेंगे और पूरा नी के पास तक वहाँ पे आपको रोल करना है और सेम टेक्निक फॉलो करनी है. नीचे आते हुए दोबारा आप थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं अभय कर रहा है, तो इस तरह से आपको रोल करना है और 2 से 3 मिनट आपको दोनों फेजेस पे लगाने हैं. और जहाँ पे भी आपको लगे कि मसल आपका टाइट है, आपको क्योंकि पेन फील होगा, वहाँ पे आपको अच्छा से थोड़ी देर उसको रखना है, फील करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइटनेस बिल्ड हो जाती है, तो उसको रिलीज़ करना वो बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट अप इज़ फोम रोलिंग और हैमस्ट्रिंग. तो हैमस्ट्रिंग में कुछ नहीं, आपको मसल फाइबर के साथ साथ रोल करना है, और जहाँ पर भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट टेंस हो गया है, आप अपने हिसाब से रोलर को एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अप इज़ VMO. सो ये मसल आपके पटेला पे एक्ट करता है, और ये एक मेजर रीज़न है, जब ये मसल टाइट होता है तो जनरली नी पेन आता है. तो आप इसको रिलीज़ करने के लिए एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, आपको रोलर का एंगल थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, एंड जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको वो पॉइंट टाइट है, आप पैर को मूव कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं, और रोलर पे भी आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं. सो इसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, ये वन ऑफ द मेन रीजंस होता है इसकी वजह से. व्हेन आई अबाउट टू हिट द ग्लूटिस मीडियस. सो ये बहुत छोटा सा मसल होता है जो कि डायगनली रन करता है, और इसको एफिशिएंटली अगर आपको रिलीज़ करना है तो बॉल, कोई भी लैक्रॉस बॉल या टेनिस बॉल आप यूज़ कर सकते हो, और आपको खुद से एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टेंडर होगा वहाँ पर, आप जहाँ पर भी आपको पॉइंट मिले, रियली सिट ऑन इट एंड फील द पेन और मूव अराउंड इट. तो हमें वो जो क्लॉट बन जाता है उसको क्रश करना है एंड स्टे ऑन इट फॉर क्वाइट सम टाइम. सो नाउ वी मूव ऑन टू द IT बैंड और द iliotibial बैंड. सो एज यू कैन सी नेगी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है क्या एग्जैक्ट जगह है वो. सो इस बैंड का फंक्शन फास्ट बॉलिंग बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये एक तो आपके हिप के इंटरनल रोटेशन में बहुत हेल्प करता है अलॉन्ग विद द TFL मसल. तो अगर ये टाइट होता है तो हिप इंटरनल रोटेशन हिंडर होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्री टर्न करते हैं. तो इसको रोल करना है इस तरह से है जैसे अभय कर रहा है, और ध्यान रखें आपको पूरा नी के एकदम एंड तक नहीं जाना है, थोड़ा सा ऊपर पे आके आपको रुक जाना है. दिस इज़ हाउ यू रोल द IT बैंड. सो नाउ हम क्वाड्स को रोल करेंगे. सो क्वाड्स बहुत बड़ा मसल है, इसमें 4 मसल होते हैं. सो इसको आप नॉर्मली बस वर्टिकली आपको रोल करना है, ताकि आपके बाकी चीज़ें इंजरी फ्री चलें, जैसे कि आपका नी हो गया और आपका हिप फ्लेक्सर, वो एफिशिएंटली वर्क करें. इसके लिए क्वाड्स को रोल करना इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा सा मसल है, TFL बोलते हैं, टेंसर फैसिलिटे. तो जैसे नेगी बता रहा है आपको, यहाँ पे इस एरिया में आपको मसल मिलेगा, और जनरली वो बहुत शोर होता है. सो इस तरह से आप रोलर पर लाई डाउन करें एंड फाइंड योर स्पॉट. थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको टाइट लगे वहाँ पे कुछ देर आपको रहना है, और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलिंग के लिए. सो मेक श्योर यू रिलीज इट वेल. सो आपके थोरेसिक को ओपन अप करने के लिए आइए, इसमें आपको रोलर जो है वो आप अपने स्कैपुला के नीचे लगाना है, और इसमें 2 वेरिएशन है. तो एक वेरिएशन में आपको एल्बो को ग्राउंड पर टच करना है नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं अभय का थोरेसिक बहुत अच्छा है, तो दोनों एल्बोज टच होते हैं. और दूसरी वेरिएशन में थंब को आप पीछे लेके जाना है और पीछे टच करना है. तो अगर आपसे आपको फर्स्ट वन अगर हो पा रहा है आपसे, तो देन यू कैन गो फॉर दिस थंब वेरिएशन, एंड देन एज यू कैन सी अभय इज़ रियली गुड इन देयर. सो थोरेसिक को ओपन अप करने के लिए कुछ मूवमेंट्स और हैं. सो आपको इस तरह से एक लेग को फोल्ड करना है, एक उसको एक हाथ से रोकना है, एंड देन आपको दूसरे हाथ से अपना पूरा कंप्लीट रोटेशन करना है. सो ये एक तरीका है.
कम्प्लीटली जितना आप कोशिश कर सकते हो ग्राउंड से टच कॉन्टैक्ट में रहने की उतना आपको रहना है। देन अनदर वन इज़ विच इज़ कॉल्ड दी ओपन बुक वेरिएशन। तो जिस तरह से एक बुक ओपन अप होती है उसी तरह से आपको पहले दोनों हाथों को साथ में रखना है एंड देन दूसरा हाथ खोल के पीछे ग्राउंड पे टच करना है। एंड मेक श्योर यू डू नॉट मूव योर लेग टू मच, ट्राई एंड कीप इट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। सो फास्ट बॉलिंग करते करते आपका पैक काफ़ी सोर हो जाता है फॉर अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो उसका राइट पैक स्पेशली इट्स वेरी प्रोन टू बीइंग टाइट। सो बेस्ट है आप इसको लैक्रोस बॉल टेनिस बॉल से रोल करो। सो जहाँ पे भी आपको सोर लग रहा है वहाँ पे बॉल को प्लेस करना है एंड मूव अराउंड इट। यू कैन ऑल्सो मूव योर आर्म अ बिट एंड मूव योर बॉडी अराउंड इट। या जैसे अभी कर रहा है इज मूविंग इज आर्म अराउंड दैट एरिया। Thank you so much guys for watching through to the end of that video. And if you like the video, share with your friends and fellow cricketers. And if you haven't already subscribed to the channel, then make sure you do.